लखनऊ में सीए के समर्थन में जन जागरण अभियान में बोले अमित शाह, कुछ लोग सीए पर फैला रहे हैं भ्रम, ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं। आजादी के बाद कांग्रेस का पाप के कारण धर्म के आधार पर भारत मां के दो टुकड़े हुए। 16 जुलाई 1947 को कांग्रेस ने धर्म के आधार पर विभाजन को किया स्वीकार। किसी हाल में सीए नहीं होगा वापस। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की पीएम मोदी और अमित शाह की बड़ाई, कहा 370 तीन तलाक खत्म किया, राम मंदिर का रास्ता साफ किया, पिछली सरकारों में नहीं थी हिम्मत, देश की कीमत पर राजनीति क्यों। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से दाखिल किया नामांकन, कहा सभी केजरीवाल को हराना चाहते हैं, मेरा मकसद भ्रष्टाचार को हराना। नई दिल्ली सीट से जीत कर 3 बार मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित, 2 बार से अरविंद केजरीवाल हैं मुख्यमंत्री। दक्षिण कश्मीर के अवंतीपुरा के जन तरंग के जंगलों में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़, 1 आतंकी के मारे जाने की खबर, 2 जवान घायल। आलिया भट्ट की मां अभिनेत्री सोनी राजदान ने उठाए सवाल, अफजल गुरु के नाम लेने पर भी डीएसपी देवेंद्र सिंह पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की फिल्म तानाजी फिल्म के वीडियो का इस्तेमाल कर छत्रपति शिवाजी के चेहरे पर पीएम मोदी की फोटो और तानाजी के चेहरे पर अमित शाह की फोटो लगाने पर बिफरे शिवसेना नेता संजय राउत, कहा तानाजी का किया गया राजनीतिक उपयोग। केरल के मलप्पुरम में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने बीजेपी सरकार को कहा कायर, 31 मंत्री जम्मू जा रहे हैं, केवल 5 कश्मीर, बहुमत से जीत कर आई केंद्र सरकार को कहा लोगों का नहीं करती प्रतिनिधित्व। बीजेपी के राज्यसभा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव का मणिशंकर को जवाब, कश्मीर जाना कायरता है तो क्या पाकिस्तान जाकर गुपचुप बात करना क्या बहादुरी है। दिल्ली में बीजेपी ने जारी किए दिल्ली विधानसभा के लिए 10 और उम्मीदवारों के नाम, जितेंद्र सिंह तोमर की जगह पत्नी प्रीति तोमर को त्रिनगर विधानसभा से टिकट। शिरडी साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट का दावा, 1930 में लिखी गई साईं चरित्र को ही आधिकारिक समझा जाए, पादरी के लिए फंड जारी करें पर जन्म स्थान नहीं बताए महाराष्ट्र सरकार। सामना संपादकीय में साईं बाबा के जन्म स्थान पर शिवसेना की सफाई, शिरडी और पाथरी दोनों महाराष्ट्र में, कुछ जानकारों का मानना जन्म पाथरी में हुआ, बाद में वो शिरडी गए, लोग नहीं पड़े विवाद में। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हिंसा से निपटने के लिए सीपीएम ने मांगी बीजेपी से सहायता, कोलकाता सीपीएम जिला सचिव ने कहा अगर तृणमूल समर्थक हिंसा करें तो हम करेंगे विरोध, बीजेपी इसमें साथ दे तो बेहतर। मुंबई की सामाजिक शाखा ने 1 3-सितारा होटल इंपीरियल से हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का किया पर्दाफाश, 3 लड़कियों को बचाया गया, 2 विदेशी मूल की। बिहार के दरभंगा वायुसेना बेस के पास संदिग्ध युवक मोहम्मद इरफान गिरफ्तार, खुद को बताया यूट्यूब का पत्रकार, तस्वीर लेकर बड़े भाई के पास दुबई भेजने का आरोप। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी टीना यादव की घंटा घर में प्रदर्शन करते हुए तस्वीर वायरल, दोस्त कर रहे थे प्रदर्शन तो टीना भी पहुंची और खिंचवाई तस्वीर। राजीव गांधी हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस, पूछा दोषियों की रिहाई के लिए क्या कदम उठाए, 2 हफ्ते में दाखिल करें स्टेटस रिपोर्ट। केंद्र की तरफ से अल्पसंख्यकों को 4,800 करोड़ की योजनाओं के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस, याचिका में दावा किया गया योजना आर्टिकल 14, 15 और 27 का उल्लंघन। देश के जाने माने वकील HS फुल्का को जान से मारने की धमकी, कोर्ट में खुद जज ने किया खुलासा। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता आनंद शर्मा ने की NDA सरकार की आलोचना, कहा देश के अंदर भय असुरक्षा का वातावरण, अर्थव्यवस्था सुरक्षा रोजगार पर भी दिया बयान। CPI नेता हन्नान मौला ने किया NPR का विरोध, कहा सामान्य जनसंख्या में हम केवल लोगों की संख्या जानते हैं मगर NPR लोगों को धर्म के आधार पर बांटता है। दिल्ली के खुराजी में देखने को मिला अनोखा विरोध, सैकड़ों लोगों ने काले गुब्बारे आसमान में उड़ाकर CAA और NRC का किया विरोध, कई दिन से महिलाएं कर रही हैं विरोध प्रदर्शन। शिवसेना सांसद संजय राउत का महाराष्ट्र में कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रस्ताव पर बयान, कहा काम चलाने में होगी आसानी, 3 पार्टियों में कोई सेक्युलर कोई हिंदुत्व विचारधारा वाली, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जारी। CAA पर विरोध प्रदर्शन पर अपने दोनों बेटियों पर मुकदमे से शायर मुनव्वर राणा नाराज, कहा देश को बांटने का काम कर रहा है CAA।
ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग में दुकानदारों से की मुलाकात, बच्चों को पिलाई पोलियो ड्रॉप। भाईचारे का संदेश लेकर हुगली में शुरू हुआ बाउल उत्सव, बांग्लादेश से भी भारी तादाद में आए बाउल कलाकार। गुजरात के सूरत में रघुवीर कॉम्प्लेक्स में लगी आग बुझाई गई, दमकल की 60 गाड़ियों ने बुझाई आग, कोई हताहत नहीं। जूनागढ़ नेशनल हाईवे पर स्कॉर्पियो से टक्कर में बाइक सवार की मौत, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पकड़ा गया अंतर्राष्ट्रीय सेक्स रैकेट, 2 लड़के 5 लड़कियां गिरफ्तार। उज्बेकिस्तान, नेपाल के अलावा पश्चिम बंगाल की भी 21 कॉलर गिरफ्तार। नक्सली समस्या पर राज्य सरकार से चर्चा के लिए छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में गृह मंत्रालय के सलाहकार विजय कुमार, छत्तीसगढ़ पुलिस और गृह विभाग के अधिकारियों से चर्चा। जबलपुर में देश की सबसे बड़ी 155 mm सारंग गन का सफल परीक्षण, एलपीआर रेंज में की गई टेस्टिंग, रूसी गन को अपग्रेड कर 27 से 39 किलोमीटर बढ़ाई गई मारक क्षमता। भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और मेयर की पीएम मोदी से मध्य प्रदेश सरकार की शिकायत, प्रधानमंत्री आवास मिशन के तहत बनने वाले मकानों को मुख्यमंत्री आवास मिशन के नाम से दे रही है एमपी सरकार। मध्य प्रदेश के राजगढ़ के बियावरा में हुई घटना के बाद बियावरा एसडीएम रमेश पांडे को हटाया गया, बवाल के दौरान एसडीएम रमेश पांडे अपनी निष्क्रिय भूमिका के चलते हटाए गए, संदीप अष्ठाना को बनाया गया बियावरा का एसडीएम। जमशेदपुर के पास पति ने पूरे परिवार पर कुल्हाड़ी से किया हमला, खुद को भी कुल्हाड़ी से मारा, पति पत्नी की मौत, 2 बच्चों का इलाज जमशेदपुर के एमजीएस अस्पताल में जारी। बिहार बोर्ड का नया कारनामा, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के एडमिट कार्ड पर ऋषिकेश को बनाया दक्षिण भारतीय अभिनेत्री अनुपमा परमेश्वरन, 28 जनवरी को है स्टेट परीक्षा। लोक गायिका अल्पा पटेल पर 10 से लेकर 2000 रुपए के लाखों नोट बरसाए गए, गुजरात के नवसारी में हुआ कार्यक्रम। महाराष्ट्र के बीड में 9 साल के बच्चे ने अपने स्वर्गवासी पिता को लिखा खत, टीचर के निकल आए आंसू, दिव्यांग माँ को मिलने वाली 600 रुपए की पेंशन पर चलता है परिवार। जबलपुर में बस ट्रक भिड़ंत में 3 की मौत, 8 घायल, जबलपुर से सिवनी जा रही थी बस, 1 महीने में इसी जगह पर 4th बड़ा हादसा। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री पीसी शर्मा ने थप्पड़ मारने वाली डिप्टी कलेक्टर को दी बधाई, इस तरह के दबंग अधिकारी गुंडे बदमाशों को सही ढंग से करते हैं ट्रीट। इंदौर में निकली अनोखी बारात, बैंड बाजे की जगह दूल्हे के साथ 11 किलोमीटर तक दौड़े बाराती, फिटनेस को बढ़ावा देना मकसद। रतलाम में इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायियों के बीच के विवाद का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, 2 परिवार आपस में भिड़े, एक पक्षकार के घायल होने पर परिजनों का अस्पताल में हंगामा। बलरामपुर में चुनाव प्रचार पर निकले जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी सड़क दुर्घटना में घायल, ऑटो की स्कॉर्पियो से टक्कर में चालक की मौत, 1 अन्य घायल। भिलाई में घर से युवक युवती और 4 महीने की बच्ची का जला हुआ शव मिला, 3 शव साथ मिलने से सनसनी। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति की बैठक में शामिल होने के लिए हरदा पहुंचे कमलनाथ के मंत्री पीसी शर्मा अपना आपा खो बैठे, पार्टी पदाधिकारी को ऊंची आवाज में अपनी समस्या रखने पर डांट कर भगा दिया, जेल में बंद करने तक की धमकी दी। हिमाचल प्रदेश के जोबरंग गांव में भारी बर्फबारी, ब्रिज पर आवाजाही बंद, लोग खुद बर्फ हटाने में जुटे, केलांग में भी भारी बर्फबारी से छात्रों को परेशानी। दिल्ली में कम हो रही है ठंड, सफदरजंग में 10.6 डिग्री सेल्सियस तो पालम में 9.6 डिग्री तापमान, विजिबिलिटी भी बढ़ी, सफदरजंग में 500 मीटर तो पालम में 250 मीटर, कुछ जगहों पर हुई बारिश। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण स्तर अब भी बहुत खराब, दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 283, चांदनी चौक में सबसे ज्यादा 326, नोएडा में 323 तो गुरुग्राम में 270। आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी का रास्ता साफ, विधानसभा के बाद विधान परिषद से भी हुआ पास, अमरावती में विधानसभा, विशाखापट्टनम में सेक्रेटेरिएट और कुन्नूर में होगा हाईकोर्ट। पेरियार रजनीकांत विवाद पर डीएम के प्रमुख स्टालिन का आया बयान, कहा कमेंट करने से पहले पेरियार को जाने रजनीकांत, रजनीकांत कोई राजनीतिज्ञ नहीं है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पारंपरिक रेकला रेस का आयोजन, हर साल पोंगल के बाद आयोजित की जाती है दौड़।
तमिलनाडु के चेन्नई में 43वें चेन्नई पुस्तक मेले का आयोजन, YMCA ने किया आयोजन, लोगों के लिए लगाई गई खिलाड़ी प्रदर्शन। कर्नाटक के मंगलुरु एयरपोर्ट पर सुरक्षा बलों ने बड़े आतंकी हमले को किया नाकाम। एयरपोर्ट पर CISF के रेस्ट रूम के पास से सोमवार को एक संदिग्ध बैग बरामद, रिकवर किए गए IED को खुले में डिफ्यूज किया गया। ICICI बैंक में ATM कार्ड के साथ पिन याद रखने का झंझट खत्म। कार्डलेस कैश निकासी सुविधा शुरू, मोबाइल ऐप से 20,000 रुपए रोजाना निकाले जा सकेंगे। भारत में अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई को लेकर ऑक्सफेम का अध्ययन, देश के 1% अमीरों के पास 70% गरीबों से 4 गुना संपत्ति, अमीरों की कुल संपत्ति देश के बजट से भी ज्यादा है। आतंकियों पर कार्रवाई नहीं करने पर पाकिस्तान को सताने लगा FATF से बैन का डर, बीजिंग में FATF वर्किंग ग्रुप से पाकिस्तान की 3 दिन की बैठक, फिलहाल ग्रे लिस्ट में है पाकिस्तान। इराक में मारे गए 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या के विरोध में बगदाद में प्रदर्शन, हजारों लोग हुए शामिल, प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की हुई है मौत। साइप्रस की झीलों पर 12,000 से ज्यादा फ्लेमिंगो पहुंचे, तुर्की अफ्रीका से होते हुए हजारों फ्लेमिंगो साल में एक बार पहुंचते हैं साइप्रस, यहां की झींगा मछली खाते हैं फ्लेमिंगो।